नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी SN त्रिपाठी के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के सामने कब्जा कर बनाई गई दुकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुआयना करने आए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की नजर स्वास्थ्य केंद्र के सामने किए गए अतिक्रमण पर पड़ गई। उन्होंने उप जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में रविवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वीरेंद्र पुत्र कालीचरण, अशोक पुत्र रामा, राजेंद्र पुत्र श्यामकरण, मोतीन पुत्र शाह मोहम्मद, लवटन पुत्र भगेलू, गोदा पुत्र दुखी का निर्माण ध्वस्त कर दिया गया, जबकि अन्य लोगों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लगभग 30 वर्षों से लोग कब्जा जमाए पड़े थे। कार्रवाई देखकर लोग अपने से अपना अतिक्रमण हटाने में जुट गए। 4 दर्जन से अधिक लोग अतिक्रमण किए हुए थे। अतिक्रमण की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार पंकज कुमार शाही, प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे सहित काफी संख्या में राजस्व कर्मी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके पूर्व मिर्जा आदमपुर गाँव में पोखरा व भीटा की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटवा दिया गया है। बनवाए के 40 साल से साहब यहाँ आई मेरे पहले राले कार ना आकर सरकार चलवो दे हमको कहीं दिया जाए तुम साहब। परिवार में के परिवार में 3 लड़का है, 1 लड़की है, 1 बेबी है।